हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4, आवर फर्स्ट स्कूल। तो इसमें जो है हमारे फर्स्ट स्कूल के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट स्कूल हमारा कौन सा होता है। सो जैसे नॉर्मली हम फॉर्मली जब जाना शुरू करते हैं स्कूल में, वो तो हमारा एक तरह से सेकेंड स्कूल हमें बोलते हैं उसे। लेकिन जो हमारी फैमिली होती है उससे भी हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं बिना मतलब उसमें जाए अनौपचारिक रूप से या किसी भी तरह से। इनफॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ें जो अपनी फैमिली से सीखते हैं स्कूल में जाने से पहले, तो वही क्या होता है हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। उसी से रिलेटेड जो है ये चैप्टर है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बट डू यू नो विच इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पहला स्कूल कौन सा है? येस, इट इज़ अवर फैमिली। तो क्या है वो? हमारी फैमिली है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली। हम हमारी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मच मोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जितनी चीज़ें हम अलग दूसरी जगह से या कहीं और से सीखते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हम कहाँ सीखते हैं? अपने स्कूल में, सॉरी अपने घर पे हम वो सब चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। और ये किस लिए? क्योंकि हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं, बट वी रियली नेवर गेट इट अ थॉट। लेकिन हम कभी भी इस बारे में सोचते ही नहीं है कि ये चीज़ भी हो सकती है। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। सो अब जो फैमिली के बारे में बात करनी है और उनसे जो है रिलेटेड जो भी है टॉक करनी है, बातें करनी है, उनके बारे में सोचना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी फैमिली का पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है या फिर आप पेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, हु आर देयर इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फैमिली मेम्बर्स। राइट द नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उनके नाम लिखने हैं और उनका आपके साथ रिलेशन क्या है वो भी आपको लिखना है। सो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। अनीश जो है फादर है उनके, सिमरन मदर है, कपिल ब्रदर हैं, रामचंद्र ग्रैंडफादर है। सो इसी तरह से आप अपने मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर उन सब का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन आपको रिलेशन बताना है कि वो क्या है, मदर ब्रदर जो भी हैं। सो वो आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर एंड मदर डॉटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दो फैमिली मेम्बर के नाम है अनीश एंड सिमरन, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ये हस्बैंड वाइफ है। तो इसी तरह आप अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। देन रामचंद्र एंड कपिल, सो ये दोनों क्या है, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर। सो इनका रिलेशन क्या है आपस में, यहाँ पे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन आएगा। सो ये इस तरह से थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेना। नेक्स्ट है अनीश एंड कपिल, तो अनीश कौन है, फादर है यहाँ पर, और कपिल कौन है, सन। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली, टू पर्सन इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर। दो जो हैं इस पिक्चर में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या होंगे? सो नाउ टू यंग गर्ल्स इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर, तो ये दोनों गर्ल्स जो हैं बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, तो ये क्या हो सकती हैं, दे आर सिस्टर्स। नेक्स्ट है, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, क्या कोई ऐसी सिमिलरिटी आपकी और आपके फैमिली मेंबर के बीच में है, कोई भी सिमिलरिटी हो सकती है, इन द वॉक वे यू टॉक, जैसे आप बात करते हैं, चलते हैं, स्माइल, और इवन इन योर लुक्स, यहाँ तक कि आप तो आप उनके जैसे दिखाई देते हो। अगर हैं तो किसके साथ हैं, कौन सी। सो माई वॉकिंग रिजेंबल विद माई फादर, सो यहाँ पर है कि जैसे मैं अगर चलता हूँ तो सब बोल रहे हैं कि तुम अपने पापा की तरह चलते हो या दिखाई देते हो, बातें करते हो। सो आई वॉक इन स्मॉल स्टेप जस्ट लाइक हिम, मैं भी उन्हीं की तरह जो है छोटे छोटे स्टेप में जो है चलता हूँ। नेक्स्ट है, माई वॉइस रिजेंबल विद माई ग्रैंड फादर, और जैसे मैं बोलता हूँ तो उससे जो है लगता है कि जैसे मेरे ग्रैंड फादर बात कर रहे हैं, जैसे वो बात करते थे उन्हीं की तरह मैं भी बातें करते टाइम लगता हूँ। आई टॉक इन अ सॉफ्ट वॉइस लाइक हिम, मैं उनकी तरह ही बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में बातें करता हूँ। Let us now read about Anwari's family. तो अब ये क्या अनवारी की फैमिली में है, the older member of Anwari's family work as dhobis. वो क्या काम करते थे पहले, धोबी का काम करते थे। अब धोबी का क्या काम होता है, कपड़े धोने वाला। So all the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. So सब क्या है, कोई धोने में, कोई उनको निचोड़ने में, कोई उनको ड्राई करने पे, देन जो है आयरनिंग करने में सब हेल्प करते थे। Now Anwari and her cousin Tofiq are also learning the work done by the family. अब वो भी जो हैं इसी तरह से ये काम सीख रहे हैं। Is your family involved in any particular work? If yes, and what? अगर आपकी फैमिली भी जो इस तरह का कोई काम करती है, अगर हाँ तो आपको बताना है कौन सा। एंड डू यू हेल्प द फैमिली इन द वर्क, और क्या आप जो है उनकी हेल्प भी करते हैं। नाउ वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर, हम जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल, जैसे अनवारी और उसके कज़न ने साइकिलिंग सीखी थी अपने अंकल से।
नाउ यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग फ्रॉम योर फैमिली, आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे. वट एंड फ्रॉम होम, कहाँ कौन सी सीखी है और क्या सीखी है ये आपको बताना, और किससे सीखी है. हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू, क्या कोई ऐसा भी है जिन्होंने आपसे कोई चीज़ सीखी हो. नाउ थिंक एंड राइट. When I am sad, I go to my. जब आप sad होते हैं तो किसके पास जाते हैं. अब देखो ये सारे questions जो हैं answer जो इनके vary कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबका same नहीं होगा, सबका अलग अलग रहता है. कोई अपनी मम्मी की तरह दिखाई देता है, कोई पापा की तरह, कोई बुआ की तरह, कोई चाचा की तरह, तो कोई मामा की तरह, तो इस तरह से सबका अलग अलग रहेगा. सो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर जो है वेरी कर सकते हैं. सेम इसमें है कि जब मैं उदास होता हूँ तो आई गो टू माई, तो आप किसके पास जाते हैं. मम्मी हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, पापा हो सकता है, या ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो किसी के पास भी आप जा सकते हैं. नेक्स्ट है व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, जब मुझे अपने पास्ट के बारे में जानना होता है तो मैं किसके पास जाता हूँ. सो ग्रैंड मदर हो सकता है या फिर अपनी मदर भी हो सकता है. व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट्स, जब मैं अपने सीक्रेट शेयर करने हो तो मैं किसके पास जाता हूँ, आई गो टू माई सिस्टर. एंड व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई, और जब होता है कि अभी तो मेरे से गलती हो गई है तो मैं किसके पास जाता हूँ, अपने फादर के पास. एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सुरेखाज फैमिली. अब सुरेखा की फैमिली में क्या है, कोई भी अगर घर में आएगा तो जूते बाहर निकाल के आएंगे. सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, और कुछ जो है उनकी फैमिली में आए, उसके फ्रेंड आए सुरेखा के, और वो जो है उन्होंने शूज़ को नहीं उतारा. सुरेखाज ग्रैंड फादर गेट्स एंग्री एट डैट, और सुरेखा के ग्रैंड फादर जो दादा थे वो इस बात पर बहुत गुस्सा हुए. तो आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी चीज़ है, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड इन योर फैमिली, तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जो की जाती है, जैसे कि इनके जूते निकाले जाते, तो आपकी फैमिली में कोई कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, अगर की जाती है तो आपको वो बताना है कौन सी हैं. विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, उसके बाद अपने घर को या अपने आसपास की जगह को क्लीन करने के लिए कैसे करते हैं. डू एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग, एंड वेन दे आर हैप्पी और इमिटेट दैम. उसके बाद में जस्ट आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी की भी एक हैबिट है, जैसे कोई बहुत ज़ोर से हंसता है, कोई गाना गाता है जब वो खुश होते, तो उनकी जो है एक तरह से आपको जस्ट एक्टिंग करनी है यहाँ पर. नेक्स्ट है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली, तो आप जो है कैसे जो है उन फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं. लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट, और अपने आसपास भी देखो कि वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं. सो व्हेन द ओल्ड वर यंग आस्क एनी ओल्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड. सो आपको अपने फैमिली मेंबर में से जो भी आपके ग्रैंडफादर या कोई भी आपसे जो बड़े हैं उनसे पूछना है कि उनके बचपन का कोई भी एक ऐसा फनी इंसिडेंट आपको बताना है उनके बचपन के बारे में. ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंट आपको बताना जो उनको बहुत मजाकिया लगता है या फनी लगता है. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, आवर फर्स्ट फैमिली या आवर फर्स्ट स्कूल. सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.